ओके गाइस, तो बैडमिंटन कोर्ट जो है वो सामने है और उसके लिए हमें स्टेयर्स चढ़नी पड़ेंगी और ये बहुत ही ज़्यादा स्टीप और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस स्टेयर्स हैं और देखते हैं, आपको लेके चलते हैं क्योंकि मैंने भी बैडमिंटन खेलना और आपको भी दिखाते हैं बैडमिंटन कोर्ट्स। फहद नाम है, माहद नाम है, आपका नाम क्या है? शकील। और आप लोग यहाँ यहीं पे रहते हो? आप लोग कौन से स्पोर्ट्स करते हो? भागते हो, क्रिकेट खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो? हाँ, क्रिकेट खेलते हो। यहाँ पे तो क्रिकेट ग्राउंड पेश नहीं है। अच्छा, आपस में छोटा छोटा खेलते हो आप लोग? ओके, ये आपका एक और दोस्त आ गया, आपका नाम क्या है? शाहजहान। शाहजहान, ओके, शाहजहान नाम है। शाहजहान, आप भी यहीं रहते हो? जी। आप यहाँ पे कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हो? बैडमिंटन। बैडमिंटन खेलते हो? आपको खेलने देते हैं? यस। यार, मेरी तो बारी बहुत देर में आती है, आपकी कैसे आ जाती है? आप जल्दी आते हो? यस। वहाँ उस वक्त तक कोई भी नहीं आया हुआ होता? यहाँ पे हम रहते हैं ना, इसलिए जल्दी आते। अच्छा, देखे भाई, यहाँ पे रहने का कितना फ़ायदा है कि यहाँ पे ये साहब जो है हमारे दोस्त, ये जल्दी आ जाते हैं, इसलिए इनको जल्दी से बैडमिंटन कोर्ट मिल जाता है। अभी मैं जाऊँगा तो मुझे शायद कोई खेलने भी ना दे, दुआ करते हैं। एनीवेज, अच्छा लगा। बाकी यार, मेरे पेज का नाम है आर्यन मोदी। कमेंट बढ़ा हुआ है पंजाब से आने के बाद तो आई हुई। मैं आज ही आया हूँ भाई, मैं आज ही आया हूँ और मुझे बस हाईवे भी कुछ 2 से 3 आवर्स हुए हैं हाईवे। ओके ओके, राइट। ये मुदस्सर है, ये स्केटिंग, राइट, ही इज वेरी गुड एट स्केटिंग। स्केटिंग जो है ना, चैंपियन है। आओ ना, बैठो, बैठते। और ये बैडमिंटन प्लेयर्स हमारे अनीता एंड अरीशा, ये लोग भी गायब हैं। रोज़ इनको मैं मैसेज करता हूँ कि क्या करना है, आ जाओ यार, शूट कर लो। अरीशा को नहीं, अनीता को, आई एम सो सॉरी अरीशा, तुम्हें नहीं, इस चीज़ का डिस्क्रेडिट तुम पे नहीं जाएगा। अनीता यही है, ये सबसे ज़्यादा मसरूफ़ है। आई विश इनको टाइम मिल जाए। ये इतनी बिजी है कि अभी लंच कर रही है, वो भी बैडमिंटन खेलने के बाद। ये इतनी बिजी है, अभी खेला ही नहीं है। चलो भाई, इन्होंने नहीं खेला, मैं भी ये सोच रहा था यार मैं किसके साथ खेलूं, लेकिन खैर चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। खेलते हैं ना साथ? हाँ, देखते हैं, खेलने तो आया हूँ मैं, खेलूँगा कोई भी मिल जाए। ओके, सो गाइस, वी आर एंट्रिंग बैडमिंटन कोर्ट। खैर मुझे तो बड़ा पसंद है यहाँ का, जैसा भी हो, बिकॉज एटलीस्ट फैसिलिटी तो है। और हमें गलियों में गाड़ियाँ हटा कर कम अज़ कम नेक्स्ट तो नहीं बांधनी पड़ती। ये अनीता है, अनीता कम ऑन, यस, हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस विद बैडमिंटन सो फार? अच्छा, गुड, आई हैव लर्नड अ लॉट। अभी स्टार्ट किया है मैंने खेलना, मैं बिस्किट खा रही हूं मेरे मुंह में, तुम चलो ना, मैं आती हूं। ओके, आ रही है। वैसे यहाँ पे कुछ लोग कराटे कर रहे हैं, लाइक प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई डोंट नो, तो कॉम्पिटिशन है। और ये रहा बैडमिंटन कोर्ट, ये बास्केटबॉल कोर्ट भी है, बैडमिंटन कोर्ट भी है, वॉलीबॉल कोर्ट भी है, आप इसे कोई भी कोर्ट बना सकते हैं। यहाँ पे 3 कोर्ट्स हैं ऑपरेशनल, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेट्स सी। यहाँ के बारे में, ये एडवांस है लेवल, ठीक है, वो
इंटरमीडिएट है और वो बिगनर है. क्यों? वो जो बिगनर लेवल है ना वहाँ पर होते हैं खड्डे, लिटरली खड्डे होते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं वहाँ पर कितने सारे लोग खड़े हैं. देखो कितने लोग खड़े हैं. दिखाओ भाई, दिखाओ भाई, भाई ये बिगनर लेवल पे क्यों इतने सारे लोग खड़े हुए हैं भाई. एंड दे आर वेटिंग फॉर देयर टर्न. एक मिनट तुम्हें मैं कैमरे पे ले लूं. थोड़ा जोर से बोलना. क्या कह रही थी तुम? कहाँ गए भाई तुम लोग के नेट वगैरह? कहाँ है लोग? बैडमिंटन वगैरह नहीं खेल रहे तुम लोग? यार आज हमारा जो ग्रुप है ना वो आया हुआ नहीं है. तो वो तुम्हें खिलाता है? नहीं नहीं, हम खेलते हैं. यार इनको कोई चांस ही नहीं दे रहा. रीशा भी क्या ऐसी घूम रही है, ये भी ऐसी घूम रही है, मैं भी ऐसी घूम रहा हूँ. कोई बात नहीं, असल में नंबर लगाना पड़ता है. हमने अभी तक नंबर लग गया? नहीं नहीं लगाया. तो कब लगाओगी? आज की तारीख में लगेगा. नॉकिंग कर रहे थे. मैं तुम्हें बता रही थी कि कभी कभी हमें अपने पेशेंट्स के साथ भी ये करना पड़ता है. ऑब्वियसली वो कैथारसिस कर रहे होते हैं, वो जब आते हैं हमारे. बता दो कैथारसिस क्या है यार, मैं तो बिल्कुल हूँ. मुझे क्या पता कैथारसिस क्या है. बताओ कैथारसिस क्या है. कैथारसिस है जब वो ओवरवेल्म हुए हुए होते हैं और वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं. ओवरवेल्म क्या है? अब ओवरवेल्म भी बताना पड़ेगा भाई. कट कर इसको, कट कर. खैर एनीवेज ये लोग अपनी टाइम का वेट कर रहे हैं. मैं भी कह रहा हूँ, मैंने तो नंबर लगाया ही नहीं. उन लोगों को फिर भी लोग जानते हैं. मैं जाती हूँ नंबर लगा. ये जा रही है नंबर लगा. तो पानी ले लेंगे ना किसी से, मना थोड़ी करेंगे. नहीं करेंगे तो शूट कर देंगे. ये देखो यार बैडमिंटन के रैकेट नहीं दे रहे यार. मुझे रैकेट मिल गया. अबे उसको रैकेट किसने दे दिया यार? लड़कियों को मिल जाते हैं रैकेट, हमें कोई पूछता भी नहीं है यार. यार ये है, इसे कहते हैं जेंडर बायसनेस. ये ये कह रहे हैं मैं पूछूं, मैं खड़ा हूँ स्पोर्ट्स गियर में, एक बंदा खड़ा हूँ, इसको कोई रैकेट नहीं पूछ रहा यार. ये देखो यार सबको मिल जाते हैं. एनीवेज यार आई एम जस्ट गेटिंग बड़ी. व्हाट्स योर नेम? ओके अब आप साहब बैडमिंटन खेल रहे हैं, हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे. बट थैंक यू यार, आई वाज जस्ट जोकिंग. ओके गाइस यहाँ पे टेबल है, लेकिन ये नेट मेरे ख्याल में खुद लाएं अपना, और रैकेट भी लाएं अपना, और बॉल भी खुद ही लाएं. इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड हाउस. हम उसे पोप्स डेन कहते थे, और उसने भी एक टेबल टेनिस की रैकेट ली होती थी, और हम लोग पूरी पूरी रात जो है ना वहाँ पे टेबल टेनिस खेलते थे. और अच्छी बात ये होती थी वहाँ पे वेट नहीं करना पड़ता था. खैर आई हैव बीन प्लेइंग टेबल टेनिस फॉर लाइक व्हाट, 3 क्लास आई थिंक. और बहुत अरसे बाद आई यूज, मतलब आई मतलब गैप्स जो है ना वो बहुत लंबे लंबे आ जाते हैं. और फिर जब कोई मिल जाता है, और फिर ये करने के लिए यू नो यू नीड फ्रेंड्स टू मोटिवेट. लाइक ये जो दो यार, मैं तो जो है ना स्पोर्ट्स बोर्ड के जो है ना आई एम इन लव विद इट. कुछ भी है यार, कुछ तो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं. वरना तो आप कराची क्लब जाओ, आगा खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाओ, या जिम खाना जाओ, तो पहले तो 10-12 लाख रुपए की मेंबरशिप लो, उसके बाद जाके जो है ना आपको ये खेलने ये स्पोर्ट्स जो है ना स्पोर्ट्स नसीब होते हैं. बट जो भी है, जैसा भी है यार, इट्स समथिंग बेटर देन नथिंग, राइट गाइज? ओ नाइस ट्राई ऑफ व्हाट, स्मैश. बट टेबल के बाहर चली गई. क्या हुआ नीता, क्या हुआ? टेबल हटा के क्या इनको घर भेज रही हो? मैं खेल रही हूं. पहले तो बैडमिंटन खेलो, इनको तुम तंग क्यों कर रही हो यार? I wanna try. You wanna try? Okay. I think I can do it. I think I can do it better. Better than who? Them? यार नहीं, ऐसी मीम है ना वो. Okay. मुझे नहीं आता. I don't know. वैसे यार तुम बैडमिंटन खिला ही नहीं रहे हो यार इन लोगों को. यार मुझे भी नहीं खिला रहे. चलो अब मैं आ रहा हूँ. हैं अब आप नाराज़ क्यों लग रहे हो तुम यार? कोई तुम्हें खेलने नहीं दे रहा? बारी आएगी इसके बाद. यार ये बारी का बड़ा चक्कर है यार, ये कौन लगा रहा है बारियाँ? उसको लाओ यार यहाँ पर. यार यहाँ पे कौन बारियाँ लगा रहा है यार अनिता? यार अभी मैं आई हूँ बारी लगाने. अब देखो मेरे बाद कोई नहीं जाएगा, मतलब मैं जब मैं आऊँगी तब मैं किसी को जाने नहीं. और अगर तुम हार गई ना फिर तुम यू आर गोइंग होम. नो आई एम नॉट गोना गो होम. दो गेम्स खेलो. ये तो क्या सबको घर बेच के तुम, मतलब सबको घर बेच के खेलोगे फिर? भाई साहब अभी हमने घर चले आओ भाई. अरे बात सुनो, एक एक बहुत मज़े की बात बताऊँ. यहाँ पर मेरा लिटरल वाला फड्डा हुआ था किसी से, लिटरल वाला, एक लड़की से. वाई नहीं आज आती तो मिलवाती. बंदी तुम्हें? बंदी से? हाँ बंदी से. बंदी से फड्डा हो गया इस बात पे? अरे शी वॉज एक्सट्रीमली इल मैनर्ड.
बदतमीजी कर रही थी। क्या कह रही थी? तुम्हें पता है I'm not gonna tolerate such attitude। फिर तुमने क्या किया? बस फिर मैंने भी सुना दी, पहले तो मैं बर्दाश्त कर रही थी। तो फड्डा किस बात पे हुआ? कोर्ट पे और किस बात पे? बताया था ना कोर्ट पे फड्डे मैं गिर गया। कोर्ट पे फड्डे हो रहे हैं यहाँ पर और एक ने एक को घर भेज दिया और मुझे कोई कोर्ट से हटा रहा है। मैं बार बार कोर्ट पे स्टेप आउट स्टेप इन कर रहा हूँ। कोर्ट पे जाना, अब पता है क्या से आई वो करीब करीब हो गया ना, तुम वहाँ कहाँ चले गए कोर्ट में? जूते खाओगे? हाँ मैंने कैसे किया उसने? ऐसे करीब आ गई बिल्कुल मेरे ना और कहने लगी कि अब शी वाज सेइंग समथिंग, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। मतलब एक बंदी आ गया रे, अभी है वो नजर नहीं आ रही ना कैमरा में, नहीं आ रही। थोड़ा ऊपर करो, अब सही, अब मैं नजर आ रही हूं। हां तो बस वो करीब आ गई, अब मैं भी डट के खड़ी रही। मैं हालांकि डर लग रहा था मुझे अंदर से क्योंकि वो थोड़ी सी ओवरवेट है, अब मुझे डर लग रहा था इसने मार वार दिया तो मैं तो गई, लेकिन मैं खड़ी रही। मैंने उसने अपने वेट का जो है ना भरपूर फ़ायदा उठाया और फुल बदमाशी दिखाई और फौरन से जो है ना अनीता को जो है ना थ्रेट किया, लेकिन ये भी नहीं हुई। चलो अच्छी बात है, फिर हुआ क्या एट दी एंड? तुम्हें कोर्ट मिला नहीं मिला या तुम घर चली गई बगैर खेले? यार कोर्ट तो मिला, पर वो दोस्त है ना मेरी अरीशा, उसने हटा दिया था, रिजॉल्व करा दी थी। कभी ऐसा हुआ है कि तुम बगैर खेले गई हो? नहीं, नेवर। यार यही तो फ़ायदा है ना। Not even 2 months that we are coming here, but kabhi aisa nahi hota hai. Okay, so that's very good. मुझे तुम्हारी एक्टिविटी बहुत अच्छी लगी अंगिता की, जो तुम यहाँ पे आती हो ना खेलने, तुम फोकस्ड होती हो और अपने आप को टाइम देती हो, स्पोर्ट्स खेलने आती हो, सो इट्स वेरी गुड। थैंक यू, इट्स ब्रिलियंट। अरीशा कम ऑन, हरी अप, वी आर बगिंग यू। तुम काहे इधर उधर जाए जा रही हो? तुम्हें कोई नहीं खिला रहा, इधर आ जाओ वापस। यार ये आपने जानबूझ के छोड़ा है ना शॉट? यार यही होता है यार, मतलब सही है, लड़कों को स्मैश मारते हो, लड़कियों को छोड़ दे तो इजी शॉट में, वेरी बैड यार। ये एक और बहुत अच्छी बैडमिंटन प्लेयर है, इन्होंने मुझे रैकेट देने से मना कर दिया आज, देखा है? और ये बड़ी प्राउडली कह रही है जी बिल्कुल, ये बचपन में होता था बैट जिसका होता था वो कहता था मेरी बैटिंग है, वो बैटिंग करके घर चले आता था, बोलता अम्मा बुला रही है, और हमें बैटिंग ही मिलती थी, हम पागलों की तरह बॉलिंग और फील्डिंग कराते रहे। यार हाँ यार, हर कोई कोई बैट मना कर रहा है, कोई बैडमिंटन मना कर रहा है, रैकेट। अच्छा आपने क्यों मना किया, रैकेट क्यों नहीं दिया? क्या अब्बा का है नो रिस्क? तो अब्बा का तो आप खेल लेंगे तो तब रिस्क नहीं है क्यों? तो मैं क्या दीवार पे मार दूंगा उठा के? मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ बैडमिंटन का, ये बता दूँ? थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ये मेरी दोस्त है, इसका भाई मेरा दोस्त है, इसमें एक जैसे अब्बा मेरा दोस्त है, ये पूरी फैमिली आती है। क्या नाम है आपका? सोहा है, ओके फाइन। यार कितनी अच्छी बात है कि यार गाइस पूरी पूरी फैमिली आती है यहाँ पर, है ओ इनके अब्बा बोल रहे रेड शर्ट में, पूरी पूरी फैमिली आती है इनकी, ये लोग खेलते हैं यहाँ पे, स्पोर्ट्स करते हैं। दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज़ एन अमेजिंग थिंग यार, मैं यही चाहता हूँ। एंगल होता है ना भाई, ये हालात हैं। मैं अनीता से यही बात कर रहा था और ये सोहा से भी कि यार जहाँ पे टेनिस कोर्ट है, ये बता दी, क्या बता रही थी इसके अब्बा टेनिस प्लेयर हैं, इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर थे, अब बैडमिंटन खेलते हैं सामने। वो सामने अभी उनसे भी इंट्रोड्यूस कराते हैं। यार मैंने अपने कॉलेज में खेला, पता है हमारे कॉलेज में जो हमारी क्लासेस थी ना उसके बीच में टेनिस कोर्ट होता था, तो यार आई वॉज माई हाउस टीम कैप्टन ओवर देयर, 12 साल हो गए खेले हुए टेनिस। यहाँ पे मैंने बड़ी कोशिश की यार मैं टेनिस खेलूँ। Hey yo, what up Izzy? You know we had to finish this video, right? Just wanted to make sure that the world had an opportunity to see that our cause was a righteous one. You know what I mean? So much beef in the industry going on. You know, we had to show people that we all ain't beefing. A lot of artists coming together to represent a unified front. We just wanted to make sure. आप लोग यहाँ पे आ गए ना, तो मैं भी तो यहीं पर आई थी, मुझे क्यों हटा रहे?
आप पूछ लें गौर से देखिए इसका चेहरा, यही है ना, देखिए गौर से देखिए इसका चेहरा भाई यार, यही है। अरे भाई या तो आपके लोग हैं या मैं बता रहा हूँ। अच्छा एक काम करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं सारे, ठीक है? नंबरिंग कर लेते हैं, जिसका आएगा खामोशी से रूल नंबरिंग कर लो यार। आ जाओ, किस पे करोगे आप? अब आप इधर आओ, मैं अब आप पे नंबरिंग कर रहा हूँ। अब आप ये मेरे इधर आओ, आपने खेलना है? हाँ आपने खेलना है, तो आप खेलो, आप और आप। हाँ ठीक है, चलो डन। ये ओके गाइस, ये बिल्कुल एंडिंग समनी हो रही है। यहाँ पर ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद कर रहे हैं, वो देखें, वो एक लाला बड़े घूरती हुई निगाहों से सबको देख रहे हैं, वो स्विच बोर्ड की तरफ पहुँच रहे हैं और ये बंद करें इससे पहले कि हम लोग यहाँ से इज्जत से चले जाएं, ना कि ये बेइज्जती से हमें निकालें। और मैं आपको अपना ये एडवांस है, 4 दिनों बाद आप मुझे यहाँ पर देखेंगे। सोच है आपकी, 2 दिन बाद यहां इंटरमीडिएट में और अगले 2 दिन बाद यहां पर। कोई बात नहीं, मेरे शॉर्ट्स अगर अभी पावरफुल नहीं है, मेरी स्ट्राइक पे ज्यादा है ना, मैं अपनी स्ट्रेंथ पे काउंट करूंगा। क्यों? ये हमारी बहुत अच्छी प्लेयर है, आई हैव ट्राई टू लर्न फ्रॉम हर, बट इन्होंने नहीं सिखाया था फिर कभी। मुझे सुबह मैंने उठना है ना और मुझे ऐसा फील हुआ किसी ने मुझे बहुत डंडे मारे रात भर। मेरी बर्दाश्त 5 किलोमीटर तक थी, मैं भाग के आ रहा हूँ ऊपर से, एब्स रीचार्ज ये पुशअप्स वगैरह मार के। बहुत ज़्यादा आज पसीना निकला है, इतना पसीना तो कभी भी नहीं निकला जितना आज निकला है। एनी वेज, इट वॉज वर्थ अ ट्राई, इट वॉज वर्थ अ विजिट टू पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, एंड आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू कम हेयर एंड स्पोर्ट्स करें और रनिंग करें। जब आपके पास इतनी अच्छी और कन्वीनियंट फैसिलिटीज़ हैं तो आई थिंक आप लोग सबको जो है ना अवेल करना चाहिए।